कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ है। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी अब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और कभी विपक्ष में बैठे तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ता तो बदली लेकिन प्रतिशोध की राजनीति जारी है। एक कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी सी बदल गई है। अब प्यार की जगह राजनीति ने ले ली है। ऐसा ही हुआ कुछ बीते दिनों आंध्र प्रदेश में, जहां युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी यानी YSR कांग्रेस पार्टी का कार्यालय शनिवार सुबह विजयवाड़ा के तड़ेपल्ले जिले में ध्वस्त कर दिया गया। ऑफिस को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया। YSR कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रतिशोध की राजनीति करार दिया है। आइए इस खबर में जानते हैं कि कैसे ये प्रतिशोध की राजनीति है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए YSR कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत है। एक निजी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये इमारत गुंटूर जिले के तड़ेपल्ली मंडल के सीता नगरम के बोट यार्ड परिसर में RS संख्या 202A1 में 870.40 वर्ग मीटर की कथित रूप से अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर थी। YSR कांग्रेस पार्टी के मुताबिक TDP प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। YSR कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसके बावजूद ऑफिस को गिरा दिया गया। अदालत ने किसी भी विध्वंस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था। यह अभूतपूर्व कार्यवाही राज्य के इतिहास में किसी पार्टी कार्यालय को ध्वस्त करने की पहली घटना है। सुबह 5:30 बजे उत्खनन मशीनों और बुलडोजर का उपयोग करके शुरू की गई। दरअसल 19 नवंबर 2021 को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस हुई और YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद चंद्रबाबू नायडू सदन से बाहर चले गए थे। उस समय नायडू ने कसम खाई थी कि जब तक मैं सत्ता में वापस नहीं आ जाता तब तक मैं सदन से दूर रहूंगा। इस दौरान वो काफी भावुक भी हो गए थे, उन्हें फूट फूट कर रोते हुए भी देखा गया। आंध्र प्रदेश की सरकार की इस कार्रवाई और आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस मामले में जैसी भी कोई जानकारी मिलती है आपको तुरंत अपडेट करेंगे।